नमस्ते दोस्तों, ये हमारा दूसरा लेक्चर है GSTR 1 का, ऑफलाइन यूटिलिटी का। अगर आपको हमारा पहला पार्ट देखना है तो इसके डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा आपको। तो हम ज़्यादा वक्त गवाए अपना दूसरा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले लेक्चर में हमने अपनी क्रेडिट नोट रजिस्टर पर्सन तक ही कवर किया था, तो आज हम पूरा का पूरा यूटिलिटी, ऑफलाइन यूटिलिटी सीखेंगे और उसकी हर एक डिटेल के बारे में बारीकी से सीखेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे देखिए, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्रेडिट नोट अनरजिस्टर्ड, CDNUR। इसका मतलब होता है क्रेडिट नोट अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए। यहाँ लिखा हुआ है क्रेडिट नोट फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, डेबिट नोट क्रेडिट नोट रिफंड वाउचर इशू टू द अनरजिस्टर्ड पर्सन अगेन इंटरेस्टेड इनवॉइस वैल्यू इज मोर देन 2.5 लाख। इसका मतलब है कि अगर आपने किसी इंटरस्टेट या अदर स्टेट वाली पार्टी को 2.5 लाख से इनवॉइस इशू 2.5 लाख से मोर देन किया है, तो उस केस में आपको अनरजिस्टर्ड डीलर को क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा और जो अनरजिस्टर्ड डीलर में कैटेगरी में फॉल्ट करेगा उसकी शर्त यह है कि वो एक तो इंटरस्टेट का होना चाहिए और दूसरी शर्त है कि उसकी जो इनवॉइस की वैल्यू उसकी मोर देन 2.5 लाख से ऊपर होनी चाहिए। तो सबसे पहले पूछ रहा है यू आर अनरजिस्टर्ड टैक्स पेयर, टाइप में बताना है कि आपको सिलेक्ट द टाइप्स ऑफ अप्लाई टू अनरजिस्टर्ड टैक्स पेयर। यू अनरजिस्टर्ड टैक्स पेयर अगेन विच द डॉक्यूमेंट्स हैज बीन इशू, सिलेक्ट एक्सपोर्ट WP एंड एक्सपोर्ट WOP। WP का मतलब है विद पे और WOP का मतलब है एक्सपोर्ट विदाउट पे। फॉर एक्सपोर्ट B2BCL बिजनेस टू कस्टमर लार्ज कंज्यूमर लार्ज, फॉर सप्लाई टू कंज्यूमर फॉर द ड्रॉप डाउन बेस्ड ऑन द ओरिजिनल वैल्यू। एक्सपोर्ट WP रिप्रेजेंट एक्सपोर्ट विद पेमेंट एंड एक्सपोर्ट WOP रिप्रेजेंट एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट। जैसा कि मैंने बताया कि जहां पे भी आपको UL टाइप में सिलेक्ट करना है वहां पे लिखा होगा कि आपको EXPWP, इसका मतलब होता है कि आप जो एक्सपोर्ट कर रहे हो विद पे कर रहे हो, और अगर EXPWOP दिखे तो उसका मतलब होता है कि जो एक्सपोर्ट कर रहा है वो विदाउट पे कर रहा हो। वहां पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट होगी, उसको सिलेक्ट करके आपको बताना पड़ेगा सिंपली। और यहाँ से नॉट रिफंड वाउचर्स नंबर, और जो आप नॉट इशू कर रहे हो उसको वाउचर इशू कर रहे हो उसका सीरियल नंबर, जो वाउचर नंबर होता है वो उस पर देना आपको, और उसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी होनी चाहिए 16। ओके, इसे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद नॉट रिफंड वाउचर डेट, और इस वाउचर की डेट डालनी है यहाँ पर, और डेट फॉर्मेट जरूर याद रखना। अगर डेट फॉर्मेट गलत हुआ तो आपकी पूरी रिपोर्ट गलत मानी जाएगी, एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, एरर बताएगी आपकी रिपोर्ट। और डॉक्यूमेंट टाइप, डॉक्यूमेंट टाइप में मैंने आपको क्रेडिट नोट के रजिस्टर पर्सन में भी बताया था कि अगर यहाँ पे हमें टाइप सिलेक्ट करना होता है कि वो डेबिट नोट है, क्रेडिट नोट है और रिफंड वाउचर्स है, तो आपको सिलेक्ट कर लेना है सिंपली। और इनवॉइस एडवांस रिसीव नंबर, अगर आपने किसी पार्टी से एडवांस में पैसा रिसीव लिया हुआ है किसी सेल्स या परचेस के बदले में, सेल्स करने के बदले में, तो उसको आपका इनवॉइस नंबर भी यहाँ शो करना पड़ेगा, चाहे आपने किसी भी केस के लिए लिया हो, चाहे वो आपने GST आने से पहले लिया हो, वो भी इनवॉइस आपको देना पड़ेगा यहाँ पर। उसके बाद हमारा इनवॉइस एडवांस रिसीव डेट, जो हमने अभी पीछे जो एडवांस रिसीव किया उस वाउचर की डेट डालनी है आपको। और दूसरा है रीजन फॉर इशू डॉक्यूमेंट, और रीजन बताना है कि आपने जो डेबिट नोट या क्रेडिट नोट अनरजिस्टर्ड डीलर को इशू किया है उसका रीजन क्या था इसके पीछे। तो वो आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट खोलोगे तो वहां पे मिल जाएगा आपको, जो सेल्स रिटर्न जो भी वगैरह होती है वहां से आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट मिलेगी, वहां से आपको एक कैटेगरी से लेकर के आगे चल दे रहा है। प्लेस ऑफ सप्लाई, कि आपने बताना है कि आपने किस जगह में एक्चुअली सप्लाई की है, और बिल में जो सप्लाई का एड्रेस है वो यहाँ पे डालना है। और नॉट रिफंड वाउचर वैल्यू, और यहाँ पर उसकी जो नॉट रिफंड वाउचर वैल्यू है उसकी वैल्यू देनी है, उसकी 2 डिजिट डेसिमल डिजिट होना चाहिए रेट, जैसा कि पीछे करते आए अपन। और टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू मैं आपको पहले बता चुका हूँ, टैक्सेबल वैल्यू वो वैल्यू होती है जिस अमाउंट पर हमारा टैक्स कैलकुलेट होता है, और इनवॉइस वैल्यू हमारी ग्रॉस वैल्यू होती है जो टैक्स प्लस होती है। और सेस अमाउंट अगर चार्ज होता है तो यहाँ पे डालिए, और प्री GST इसके लिए भी हम आप पीछे डिस्कस कर चुके हैं,
मतलब कहने का मतलब है जीएसटी से आने से पहले कोई इनवॉइस जनरेट हुआ हो डेबिट नोट क्रेडिट नोट अननेसेसरी रीजन के अगेंस्ट में, तो वहां पर आप यहाँ पे डिटेल डाल सकते हो। तो चलिए एक बार इनवॉइस में हम देख लेते हैं कि किस तरीके की डिटेल वहां पे शो करता है। डिटेल यही शो करेगा जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, वही डिटेल वहां पे शो करता है सारी की सारी। तो देखिए यहाँ पे सी डी एन यू आर क्रेडिट नोट डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है। यहाँ पे देखिए यू आर टाइप में देखिए एक ड्रॉ डाउन लिस्ट है, यहाँ से चॉइस करना आपको कि जो बी टू सी एल है रजिस्टर बिजनेस टू कंज्यूमर लार्ज, और यहाँ पे देखिए ई एक्स पी डब्ल्यू पी भी है और ई एक्स पी डब्ल्यू ओ पी भी है, ठीक है, विद पे और विदाउट पे। और यहाँ से रिफंड वाउचर का डेट डालनी है, उसकी डेट डालनी है, यहाँ पे इनवॉइस नंबर डालना है, और डॉक्यूमेंट टाइप में यहाँ पे भी ड्रॉ डाउन लिस्ट है, डॉक्यूमेंट सी क्रेडिट नोट डी डेबिट नोट और आर से रिफंड वाउचर्स यहाँ पे सिलेक्ट करके बताना आपको। और यहाँ से उस एडवांस रिसीव का नंबर देना है और यहाँ से उसकी डेट देनी है। और उसके बाद यहाँ पे सिंपली यहाँ पे देखिए यहाँ से पूछ रहा है आपसे रीजन आप डेबिट और क्रेडिट नोट किस लिए इशू कर रहे हो, तो यहाँ पे देखिए एक ड्रॉ डाउन लिस्ट खोलोगे तो यहाँ से आपको जिस रीजन के अगेंस्ट में रिटर्न कर रहे हो तो वहां से आप सिंपली सेव कर वो सिलेक्ट कर लीजिए और आगे चल दीजिए। और प्रेस ऑफ सप्लाई यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए जिस स्टेट में आप सेल्स कर रहे हो वो आगे बढ़ दीजिए। और रिफंड वाउचर वैल्यू यहाँ पे देनी है और जो टोटल टैक्स लग रहा है वो यहाँ पर देना है एग्रीगेट, ठीक है। वहां पे लिखा हुआ था कि सी जी एस टी प्लस एस जी एस टी दोनों इंक्लूड करके देना है, तो यहाँ पे सी जी एस टी एस जी एस टी 2.5% लगा होगा, बट हमें यहाँ पे इंटीग्रेट शो करना है तो टोटल हमें 5% ही शो करना पड़ेगा। और टैक्सेबल वैल्यू जिस वैल्यू पर हमारा टैक्स कैलकुलेट होगा, और सेस अगर इस पे कैलकुलेट हो तो लगा दो, और प्री जी एस टी 9, ये 9 है, तो यहाँ पे टोटल चेस वैल्यू यहाँ पे टोटल वैल्यू आ जाएगी, टोटल टैक्सेबल वैल्यू इतनी है हमारी, ये सारी की सारी अपने आप ही ऑटोमेटिक कैलकुलेट होती रहेगी। जैसे ये अमाउंट ये डिस्क्रिप्शन डालते रहोगे डिटेल डालते रहोगे ये अपने आप ही कैलकुलेट करता रहेगा। तो चलिए हम अपने अपने नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट यहाँ पे ई एक्स पी के नाम से शो कर रहा है और जो उसका डिस्क्रिप्शन में है एक्सपोर्ट। अब एक्सपोर्ट क्या है देखिए, एक्सपोर्ट सप्लाई इंक्लूडिंग सप्लाईज टू सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन और सेज डेवलपर्स और डीम एक्सपोर्ट, ठीक है। तो अगर आप किसी इंटर स्टेट या अदर कंट्री में सेल्स करते हो या एक्सपोर्ट करते हो और उस केस में तो एक्सपोर्ट माना जाता है, अगर आप किसी स्पेशल इकोनॉमिक जोन या स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर में कोई सेल्स करते हो तो वहां पे भी आपको एक्सपोर्ट ही मानी जाएगी, भले ही वो एक्सपोर्ट ना हो वो एक्सपोर्ट ही मानी जाएगी। और वहां पर एक्सपोर्ट के अंतर्गत ही जो टैक्स चार्ज किया जाता है आईजीएसटी, तो आईजीएसटी ही चार्ज किया जाएगा, भले ही वो आप सेम स्टेट में सेल कर रहे हो और वो सेल्स इकोनॉमिक जोन के अंडर आता है, तो वहां पर आपको इंटीग्रेट टैक्स ही लगाना पड़ेगा, वो जो कैटेगरी फॉल्ट होगी वो एक्सपोर्ट के अंदर आएगी, तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। सबसे पूछ रहा है एक्सपोर्ट टाइप पूछ रहा है, देखिए एक्सपोर्ट टाइप में इन द टाइप्स ऑफ कॉलम एंटर डब्ल्यू पे, इसका मतलब होता है विद पे इफ द एक्सपोर्ट इज विद पेमेंट ऑफ द टैक्स, और एल्स एंटर डब्ल्यू ओ पी पे, इसका मतलब विदाउट पे, जैसा कि मैंने बोला आपको डब्ल्यू विद पे डब्ल्यू ओ विदाउट पे। इनवॉइस नंबर देना है एक्सपोर्ट का, उसकी डेट देनी है, डेट फॉर्मेट जरूर याद रखिएगा, इनवॉइस वैल्यू देनी है आपको, ग्रॉस वैल्यू देनी है यहाँ पर, और उसका पोर्ट नंबर देना है। ये थोड़ा नया कॉलम है तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। एंटर द सिक्स डिजिट कोड ऑफ पोर्ट थ्रू विच गुड्स वेयर एक्सपोर्टेड, प्लीज रेफर टू द लिस्ट ऑफ पोर्ट कोड्स अवेलेबल ऑन जीएसटी कॉमन पोर्टल, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। इसका मतलब है कि जब आप पोर्ट कोड नहीं जानते हो, आप फ्रेश हो, नहीं पता आपको, तो जब आप जीएसटी कॉमन पोर्टल में आप इसको फिलअप करोगे तो वहां पर एक लिस्ट होगी पोर्ट कोड की, तो वहां से आप देख के सिंपली डाल सकते हो। और दूसरी बात है कि जब आप किसी सर्विस को एक्सपोर्ट करोगे तो उस केस में पोर्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, भले ही आप डाल सकते हो मगर रिक्वायरमेंट नहीं है, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड इन द केस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, तो इस बात का जो ध्यान रखेगा। अब यहाँ पे शिपिंग बिल नंबर, ये इसकी भी रिक्वायर्ड नहीं है, आप डाल सकते हो नहीं तो अदरवाइज इसको ब्लैंक करके चलिएगा, और उसकी डेट ये भी सेम, आप ब्लैंक करके भी चल सकते हो या डाल के भी चल सकते हो अगर आपको पता है तो। और देखिए रेट, एंटर द एप्लीकेबल इंटीग्रेटेड टैक्स,
जैसे ही आपको पता है कि अगर हम अदर स्टेट या अदर कंट्री में कोई सेल्स करते हैं तो वहां पर हमारा इंटीग्रेटरी टैक्स जीएसटी चार्ज किया जाता है, जिसको आईजीएसटी कहते हैं। ओके, और यहाँ पे जो आखिरी हमारा टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू मैं आपको हर बात में बता रहा हूँ कि टैक्सेबल वैल्यू वो वैल्यू होती है जिस पर हमारा टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पे टू डिजिट डेसिमल का जरूर याद रखिएगा। तो चलिए आप देख लेते हैं एक्सपोर्ट रिपोर्ट में हमारी क्या डिटेल मांगता है, जो हमने डिस्कस की है तो सारी की सारी वही मांगेगा हमसे। एक्सपोर्ट टाइप में देखिए, एक तो डब्ल्यू ओ पे है, एक डब्ल्यू पे है विदाउट पे, पे पे उसका इनवॉइस नंबर दीजिए, इनवॉइस डेट, इनवॉइस वैल्यू, जो इनवॉइस वैल्यू है ग्रोस, पोर्ट नंबर अगर है तो पोर्ट नंबर दीजिए, और शिपिंग बिल नंबर दीजिए, शिपिंग डेट और एग्रीगेट टैक्स रेट और टैक्सेबल वैल्यू, जैसा कि हम पीछे डिस्कस करते आ रहे हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट अगले 80 पर। 80 का मतलब होता है एडवांस टैक्स। यहां पे देखिए 80, इसका जो ध्यान रखना, देख के चलना थोड़ा, ठीक है। यहां पे देखिए टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांस, अगर किसी पार्टी से आप किसी सेल्स के अगेंस्ट में कोई पैसा रिसीव करते हो, एडवांस से पैसा रिसीव करते हो, तो उसकी जो लायबिलिटी बनती है कि जब हम पैसा रिसीव करते हैं तो उसमें जो उस मंथ की लायबिलिटी बननी चाहिए थी, टैक्स लायबिलिटी बननी चाहिए थी, उसको जनरेट करते हैं। तो उस केस के लिए अगर आपका इनवॉइस एडवांस रिसीव के अगेंस्ट आता है तो आप डिटेल डाल के चलिएगा। तो देखिए क्या है, टैक्स लायबिलिटी अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ रिसीव ऑफ कंसिडरेशन फॉर विच इनवॉइसेस हैव नॉट बीन इश्यूड इन द सेम टैक्स पीरियड। तो ये कह रहा है कि अगर आपने कोई एडवांस में पैसा लिया है तो उस सेम पीरियड में आपको टैक्स लायबिलिटी अराइज करनी पड़ेगी। ओके, उसके बाद पूछ रहा है प्लेस ऑफ सप्लाई, POS, पॉइंट ऑफ सेल भी कहते हैं इसको, और प्लेस ऑफ सप्लाई, जब जीएसटी आया तो ये प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया, अब पॉइंट ऑफ सेल मत समझना इसको, अब ये प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाता है। प्लेस ऑफ सप्लाई का मतलब है कि जिस जो हमारा बिल बन रहा है वो बिल किस प्लेस के अगेंस्ट सप्लाई होगा, तो वो हमें शो करना पड़ेगा कि जिस जगह हम सेल्स कर रहे हैं उसको यहाँ पे डिस्क्राइब करना पड़ेगा। रेट देखिए, यहाँ पे रेट सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी दोनों को एग्रीगेट एंटर करना है, जैसे 2.5% लग रहा है तो आपको 5% ही रेट लेना है। और यहाँ पे ग्रोस एडवांस रिसीव, आपने इनवॉइस में जितना भी टोटल अमाउंट दिखाया है वो आपको ग्रोस अमाउंट इस कॉलम में शो करना है, और या अगर चेस अगर कैलकुलेट किया गया तो डाल लीजिए, और नहीं है तो मत डाल लीजिए। ओके, तो चलते हैं 80 पे, देखते हैं टेम्पलेट में क्या कहता है एक्सेल शीट में। तो प्लेस ऑफ सप्लाई जो हम डिस्कस करते हैं, जिस नाम जिस जगह का टाइटल बिल, जिस कहने का मतलब कि जो बिल है किस जगह जा रहा है, वो उस बिल का टाइटल कहां पर ट्रांसफर हो रहा है, तो वहां पे आपको सिलेक्ट करना है और एग्रीगेट टैक्स यहां पे सिलेक्ट करना है, और ग्रॉस एडवांस रिसीव जितना अमाउंट रिसीव करना है वो डालना है, और यहां पे शेष नंबर डालना है। उसके बाद चलते हैं ATA DJ, इसका मतलब है कि जो आपने एडवांस रिसीव किया उसके अगेंस्ट में तो आप एक एडजस्टमेंट करोगे ना, कि उस मंथ की तो कोई टैक्स लायबिलिटी शो करोगे, जो हमने रिसीव किया कर लिया तो उसकी जो लायबिलिटी इंक्रीज करो, क्योंकि वो हम उसके अगेंस्ट में कोई बिल जनरेट ही नहीं हुआ है, तो उसके अगेंस्ट में कोई एडजस्टमेंट है तो आप एडजस्टमेंट का कॉलम लीजिए और वहां पे पूरी डिटेल फिलअप करके चलिएगा। और पढ़ लेते हैं एडवांस, एडजस्टमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी फॉर टैक्स ऑलरेडी पेड ऑन एडवांस रिसीव ऑफ कंसिडरेशन एंड इनवॉइस इन द करेंट पीरियड फॉर द सप्लाइज। वही जैसा मैंने आपको कहा कि जो आपने एडवांस रिसीव हुआ है तो उसके अगेंस्ट में कोई टैक्स लायबिलिटी एडजस्टमेंट करनी है, तो उसके अगेंस्ट में कोई बिल बनता है आपका, तो इस कॉलम में आपको फिलअप करनी है डिटेल। यहाँ पे भी वही सेम, प्लेस ऑफ सप्लाई POS, जिस नाम का टाइटल बिल का जा रहा है जहां पर, वहां का प्लेस देना है, आपको यहां पर रेट देना है एग्रीगेट इंटीग्रेट, और यहां पर ग्रॉस एडजस्टमेंट वैल्यू देनी है, और यहां पर शेष अमाउंट देना है, बिल्कुल सिंपल जैसा कि हम पीछे देखें। और देखिए यहां पे देख लेते हैं क्या क्या मांग रहा है हमसे, जैसा मैंने पीछे देखा प्लेस ऑफ सप्लाई मांग रहा है जहां पर बिल का टाइटल जा रहा है ट्रांसफर हो रहा है, और उसके बाद हमारे पास इंटीग्रेट टैक्स मार रहा है, इंटीग्रेट टैक्स जो भी हो 0.0 जो भी है आपका, वो यहां से चॉइस करके सिंपली क्लिक कर दीजिएगा, और यहां से ग्रॉस एडवांस रिसीव जितना भी आपको एडवांस रिसीव हुआ था उसका ग्रॉस अमाउंट यहां पर डालना है, और अगर शेष कैलकुलेट करते हो तो करिए, अगर नहीं कैलकुलेट होता उस अमाउंट उस आइटम पर तो मत करिए।
उसके बाद हमारे पास XEPMT, इसका मतलब था एग्जेम्प्ट। अब एग्जेम्प्ट देखिए क्या होता है। एग्जेम्प्ट होता है कि उस गुड्स पर कोई भी टैक्स चार्ज नहीं किया जाता, वो एक तरीके से टैक्स फ्री होता है। यहाँ पे डिटेल देख लीजिए एग्जेम्प्ट, यहाँ पे एग्जेम्प्ट के अंदर क्या क्या चीज आती है देखिए, नील रेटेड, एग्जेम्प्टेड एंड नॉन जीएसटी सप्लाई। ये जीएसटी के अंदर एग्जेम्प्टेड है, वेरीफाई किया गया, कैटेगराइज किया गया है कि ये गुड्स है तो ये एग्जेम्प्ट है, ये नील रेट की कैटेगरी में, ये नॉन जीएसटी कैटेगरी में, तो जीएसटी के अंदर फॉल्ट ही नहीं करते हैं। तो यहाँ देखिए डिटेल ऑफ नील रेट एग्जेम्प्टेड एंड नॉन जीएसटी सप्लाईज मेड ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड। ठीक है, सबसे पहले हमसे पूछ रहे डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन का मतलब है कि इंडिकेट द टास्क ऑफ सप्लाई, आपको वहां पे डिटेल देने की किस तरीके इंडिकेट सप्लाई हो रही है। तो आगे हम जब एक्सेल शीट में आएंगे तो देख लेंगे, सब सिंपली पता चल जाएगा। निल रेटेड सप्लाई, अब यहाँ पे देख लीजिए निल रेटेड सप्लाईज के बारे में हमारे पास कोई डिस्क्रिप्शन दे रहा है। डिक्लेयर द वैल्यू ऑफ सप्लाईज मेड अंडर द निल रेटेड, अगर कोई अंडर निल रेटेड के अंदर कोई सप्लाईज होती है तो देखिए क्या कहता है, कैटेगरी फॉर द सप्लाई टाइप सिलेक्टेड इन वन अबव, जो वन है अबव ऊपर, वन अबव बी टू बी, द अमाउंट टू बी डिक्लेयर हियर शुड बी एक्सक्लूड अमाउंट ऑलरेडी डिक्लेयर इन बी टू बी, ओके हमें पता है, और बी टू सी एल टेबल इन द लाइन आइटम इन द टैक्स इनवॉल्व। इसका मतलब है कि जो उसने अमाउंट डिक्लेयर किया है निल रेट में, वो हमें इधर पर जो बी टू बी में हमें शो हुआ होगा, क्योंकि ये जो डिटेल जाएगी बी टू बी में जाएगी, तो बी टू बी में जब ये इनवॉइस शो होगा तो वहां पे डिक्लेयर होगी सारी की सारी इनवॉइस। और यहाँ पे एग्जेम्प्टेड अदर देन निल रेटेड एंड नॉन जीएसटी, कहने का मतलब है कि निल रेटेड और नॉन जीएसटी के अलावा एग्जेम्प्टेड गुड्स है तो यहाँ पे आएंगे। तो उस केस में क्या कहता है, डिक्लेयर द वैल्यू ऑफ सप्लाईज मेड अंडर द एग्जेम्प्टेड कैटेगरी ऑफ सप्लाईज टाइप ऑफ सिलेक्शन वन, बी टू बी वही सेम जो पीछे है, और नॉन जीएसटी सप्लाई नॉन जीएसटी, चलो भाई जो जीएसटी के अंदर फॉल्ट ही नहीं करते, जो जिस पर जीएसटी अप्लाई नहीं होता, तो ये भी बिल्कुल सेम है जैसा कि हम पीछे पढ़ते हैं, ये निल रेटेड, ये तीनों एक एक तरीके की कैटेगरी है। चलिए हम देखते हैं अब इसमें क्या है, एक्सेल शीट में देखिए क्या क्या है। यहाँ पे देखिए डिस्क्रिप्शन, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन पे क्या कह रहा है हमसे पास, इंटर स्टेट सप्लाईज टू रजिस्टर पर्सन। तो यहाँ पे सिंपली बताया गया है कि आपको डिस्क्रिप्शन करनी है कि जो आप एग्जेम्प्ट कर रहे हैं निल रेट और नॉन जीएसटी गुड सप्लाई कर रहे हो, तो वो इंटरस्टेट से सप्लाई टू रजिस्टर्ड पर्सन कर रहे हो, या इंटरस्टेट सप्लाई अनरजिस्टर्ड डीलर कर रहे हो, या कंपोनेंट डीलर को, तो वहां पर आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, ब्रीफ करना पड़ेगा कि आप एक्चुअली में किसको सप्लाई कर रहे हो। और यहाँ पर निल रेटेड सप्लाई और एग्जेम्प्टेड और नॉन जीएसटी, आप सोच रहे हो यहाँ पे डिटेल क्यों नहीं डाली गई, यहाँ पे डिटेल इसलिए नहीं डाली गई क्योंकि जब हमने बी टू बी इनवॉइस शुरू किया था अगेंस्ट किसके, एग्जेम्प्ट निल रेट और नॉन जीएसटी गुड्स के, तो वहां पर कैलकुलेट कर लिया गया था, तो यहाँ पे डिटेल नहीं डाली गई है। जैसा कि यहाँ पे हेल्पिंग में देखिए, हेल्पिंग में भी बताया गया कि अब वो वन में सिलेक्ट टाइप कैटेगरी हमारी वहां पे ही डिक्लेयर कर दी गई गई थी, तो वहां पर इसलिए ही वो वहां पर शो नहीं कर रहेगी। उसके बाद हमारा एच एस एन, ये हमारा आइटम पे जो हमारे गुड्स में एक एच एस एन नंबर होता है, ये एच एस एन नंबर होता क्या एक्चुअली मैं बता दूं, एच एस एन नंबर होता है कि जैसे हमारे पास एक मोबाइल है, एक्चुअली में देखो हमारे पास, मेरे पास एक सैमसंग का मोबाइल है A5, अगर देखिए इंडिया में इसको मोबाइल कहते हैं, ओके, और अगर किसी दूसरे देश में जाते हैं तो उस देश में इसको और कुछ कहते हैं, और किसी नाम से जाते हैं, मोबाइल से नहीं जानते और किसी नाम से जानते हैं। तो क्या करते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में यही चलता है कि जब आप सॉरी दोस्तों, कि जब आप एक ही प्रोडक्ट के अलग अलग नेम होते हैं तो जो हम सेल्स या एक्सपोर्ट करते हैं किसी अदर स्टेट कंट्री में तो उसमें प्रॉब्लम होती है, तो उस केस में हम क्या करते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, वहां पे एक कोड डिक्लेयर कर देते हैं कि अगर ये आइटम है तो इस कोड से जाना जाएगा, अगर ये आइटम है तो इस कोड से जाना जाएगा, तो उससे हमारी सिंपली ब्रीफ हो जाता है कि हम पता कर लेते हैं कि उस पर एक्चुअली अमाउंट या जो गुड्स है एक्चुअली में है क्या, तो वो पता चल जाता है। एचएसएन नंबर तो देख लेते, सबसे हेल्पिंग में चलते हैं,
हेल्पिंग इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़िएगा जब आप जीएसटी वन अप्लाई करोगे या भरोगे, ऑफलाइन भरो ऑफलाइन ऑनलाइन भरो। इसके आगे लेक्चर हम करेंगे कि अभी तो हमारे पास डमी है, ये इस डमी को हम अभी समझ रहे हैं कि किस तरीके से हमें अमाउंट डालना है। अभी हम इसके अगले नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे कि अगर हम टैली में जो वर्क कर रहे हैं वहां से अपने डाटा को उठाकर इस ऑफलाइन टूल में कैसे पुटअप करेंगे और अपने जीएसटी पोर्टल में कैसे डालेंगे, तो वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। तो पहले अपने हेल्प इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। तो हेल्प इंस्ट्रक्शन देखिए क्या कहता है। एचएसएन ये रहा एचएसएन समरी। तो देखिए एचएसएन वाइज समरी ऑफ गुड्स सर्विसेज सप्लाइज ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड। ओके, तो सबसे पहले पूछ रहा है एचएसएन एंटर द एचएसएन कोड फॉर द सप्लाइज गुड्स ऑफ सर्विसेज मिनिमम डिजिट रिक्वायर्ड टू बी मेंशन इन द टैक्स इनवॉइस एंड कंसिक्वेंटली टू बी रिपोर्टेड इन इज एज फॉलो। तो देखिए इसको फॉलो करना पड़ेगा कि आप जब आप एचएसएन नंबर डालोगे या एसएससी नंबर डालोगे तो आपको इंस्ट्रक्शन जरूर फॉलो करके चलने हैं, नहीं तो एरर आएगा। अप टू रूपी 1,50,00,000 एनुअल टर्नओवर नील डिजिट। तो आपको अगर 1,00,00,000 से पैसा एनुअल टर्नओवर है तक है तो आपको जीएसटी के एचएसएन नंबर में कुछ नहीं देना है। दूसरा है मोर देन रुपीज 1,50,00,000 एंड अप टू रुपीज 5,00,00,000 एनुअल टर्नओवर है, 2,50,000 से और 5,00,000 के बीच में टर्नओवर है तो आपका 2 digit शो करना पड़ेगा, एचएसएन नंबर 2 digit डालना पड़ेगा। और मोर देन रुपीज 5,00,00,000 एनुअल टर्नओवर तो आपको 4 digit डालने हैं एचएसएन नंबर के। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में हमसे देखिए क्या मांगता है, डिस्क्रिप्शन में वही बताना है कि जो हम पीछे भी डिस्क्रिप्शन में बात करते आए हैं। एंटर द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सप्लायर गुड्स और सर्विसेज डिस्क्रिप्शन बिकम ए मैंडेटरी फील्ड इफ एचएसएन कोड इज नॉट प्रोवाइडेड अबव। यहाँ पे इसका मतलब यह है कि आपने जो वहां पर एचएसएन नंबर नहीं दिया है तो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दीजिए, अगर डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहे तो आप एचएसएन नंबर दीजिए, आप दोनों भी शो कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। अगर आप एक चीज जानते हो तो एक चीज शो करिए। और उसके बाद है यू की सी, आपको मैंने बताया था यूनिट क्वांटिटी कोड, ये एक 6.1 वर्जन में आया टैली के, उससे पहले वर्जन में नहीं अवेलेबल है तो उसको जरूर देखिएगा। सिलेक्ट द एप्लीकेबल यूनिट कोड फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट। आपके पास इसको एक तरीके से मेजरमेंट तक कहते हैं, मेजरमेंट जैसे आपको केजी में करना है, पीसेस में करना है, नंबर्स में शो करना है, किस में लीटर में शो करना है, मीटर में शो करना है, आपको जिस तरीके की कैटेगरी चॉइस करनी है वो यहाँ से ड्रॉप डाउन लिस्ट प्रोवाइड की जाएगी और वहां से आपको चॉइस करना सिंपली। टोटल क्वांटिटी जिसने इनवॉइस वैल्यू हो और उस पर जो आइटम हो उनकी टोटल वैल्यू क्वांटिटी डालनी है आपको, एक आइटम डालनी है टोटल वैल्यू इनवॉइस वैल्यू गुड्स और सर्विसेज अप टू 2 decimal, तो डेसिमल से ज्यादा ठीक है, जो टैक्स टोटल वैल्यू होती है। टैक्सेबल वैल्यू में आपको हर एक इस कॉलम में बताते जा रहा हूं कि टैक्सेबल वैल्यू क्या होती है। टैक्सेबल वैल्यू होती है कि जिस पर हमारा टैक्स कैलकुलेट होगा। और इंटीग्रेट टैक्स अमाउंट, यहाँ पे देखिए इंटीग्रेट टैक्स सेंट्रल टैक्स स्टेट टैक्स अलग अलग करके दिया गया है तो वाई फ्रैकेट किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए एंटर द टोटल इंटीग्रेट अमाउंट कलेक्टेड पेएबल, जितना भी इंटीग्रेट टैक्स का अमाउंट बनता है तो आप इंटीग्रेट टैक्स के अमाउंट के कॉलम में ही डाल लीजिएगा। और यहाँ पे सीजीएसटी सेंट्रल टैक्स का जितना अमाउंट बनता आप अलग अलग डालिएगा। यहाँ पे जो एचएसएन नंबर समरी में है आप जब डिस्क्रिप्शन में डालो डिटेल डालोगे कॉलम में तो आपको यहाँ पर अलग अलग अमाउंट डालना है, स्टेट कोड का स्टेट जीएसटी का अलग डालना है और सीजीएसटी सेंट्रल टैक्स का अलग डालना है और आईजीएसटी का अलग डालना है। अगर शेष कैलकुलेट होता है तो करिए, नहीं तो आप आगे बढ़ दीजिए। चलिए हम देख लेते हैं एचएसएन में क्या क्या मांगता हमसे। सबसे पहले मांग रहे हैं हम एचएसएन नंबर, उसके बाद डिस्क्रिप्शन कि वो डिस्क्रिप्शन देनी है। अगर एचएसएन नंबर नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन दीजिए, डिस्क्रिप्शन नहीं है तो आप एचएसएन नंबर दीजिए, आप दोनों भी दे सकते हो मगर एक तो दे के ही चलना है आपको। और यू की सी, तो देखिए यहाँ पे आपके साथ आपके पास बहुत सारी डिटेल मिल जाएगी, केजी मिलीमीटर लीटर मीटर जो भी हो पीसेस जो भी जिस चीज से मेजरमेंट किया जाता है तो वहां पे आपको मेजरमेंट चॉइस करना है जिसको यूनिट कहते हैं। और टोटल क्वांटिटी डाल दे देनी है यहाँ पर, और वहाँ पर टोटल वैल्यू टैक्सेबल वैल्यू जो पीछे जैसे हैं, और यहाँ पे इंटीग्रेट टैक्स अलग देना अमाउंट
सेंट्रल अलग देना है, स्टेट टैक्स का अमाउंट अलग देना है, और अगर चेज कैलकुलेट होता है तो सिंपली चेज देके जाना है। और जो हमारा लास्ट है डॉक्स, डॉक्स मतलब डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स के लिए देखिए हमारे पास क्या कहता हुआ, तो हेल्प इंस्ट्रक्शन में चलते हैं। तो डॉक्स लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स इशूज, तो डिटेल ऑफ वेरियस डॉक्यूमेंट्स इशू बाय द टैक्स पेयर ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड, कहने का मतलब है कि जब आप टैक्स पे करोगे तो उस वक्त आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट कराने पड़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट्स, क्या नेचर होना चाहिए। सिलेक्ट द एप्लीकेबल डॉक्यूमेंट टाइप्स फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट। अब देखिए आप अपनी तरफ से कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं डाल सकते हैं, यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट दी गई है, वहां से आप चॉइस करके आपको सिंपली डालना है। और इस बात का जरूर ध्यान रखेगा जो भी ड्रॉप डाउन लिस्ट होगी वहां से आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। दूसरा है सीरियल नंबर फ्रॉम, सीरियल नंबर फ्रॉम है एक, सीरियल नंबर टू है। इनका मतलब है, फ्रॉम का मतलब है कि जो आप से जो जीएसटी जो रिटर्न फाइल कर रहे हो GSTR1, उसका इनवॉइस कब से स्टार्ट हुआ है, फ्रॉम कब से स्टार्ट हुआ है, तो उसका सीरियल नंबर डालना। और टू कब तक का डालना है कि आपके इनवॉइस कब तक के हैं, जैसे 1 से 20 है तो आपको फ्रॉम में 1 डालना है और 2 में 20 डालना है। ओके, यहाँ पे टोटल नंबर डालना है, टोटल नंबर डालना है जो 20 तक है, अगर उसमें कोई कैंसिल है उसको अलग से डालना है। जैसे कैंसिल है, कैंसिल और टोटल है, तो टोटल अलग डालिएगा और कैंसिल अलग डालिएगा, इस जरूर का जरूर ध्यान रखिएगा। ओके, तो देख लेते हैं हम डॉक्यूमेंट्स में हमसे क्या क्या मांगता है। देखिए हम आ चुके हैं यहाँ पे, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट है इनवॉइस और आउटपुट सप्लाई। तो देखिए कि हम जो डॉक्यूमेंट इश्यू कर रहे हैं अगली सामने वाली पार्टी को, जो भी पार्टी हो, यहाँ से हमें चॉइस करना है सिंपली हम किस लिए, क्या जो वाउचर है क्या इशू कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट जिसको वाउचर कहते हो आप, डॉक्यूमेंट होता है वो गवर्नमेंट। तो यहाँ पे देखिए इनवॉइस आउटवर्ड सप्लाई, इनवॉइस और इनवर्ड सप्लाई फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन है, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रिसीव नोट, ये वगैरह जो आपको चॉइस करना है आपको सिंपली यहाँ से, और यहाँ से सीरियल नंबर स्टार्ट कर देनी है, और जहाँ तक के सीरियल नंबर तक बने हैं आपको इशू हुए बिल वहाँ तक का डालना है, और यहाँ पर टोटल डालना है, और जितने कैंसिल हुआ वो यहाँ पर डालना है। तो देखिए सारी डिस्क्रिप्शन अलग अलग हो गई है। उसके बाद है मास्टर। अब मास्टर सबसे बड़ा खेल है। अब मास्टर में देखिए जो भी आपने इनवॉइस में या वाउचर्स में डिटेल डाली है तो आप सिंपली यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपने जो डिटेल डाली है, जो आपने यू की डाली हो, एक्सपोर्ट टाइप डाली हो, रिवर्ट चार्ज प्रोविजन डाले हो, नोट टाइप टाइप, टैक्स रेट पॉज, एपी और एस इनवॉइस टाइप, रीजन इशू फॉर नेचर और डॉक्यूमेंट्स, तो आप यहाँ सिंपली चेक कर लीजिए कि जो हमने अपने इनवॉइस में जो डिटेल डाली है एक्चुअली वो सही डाली है या गलत डाली है। तो यहाँ से इसलिए ही ये जीएसटी वालों ने अच्छी प्रोवाइड कर रखा है हमारे पास कि इसको इंस्ट्रक्शन देख के हम अच्छे से GSTR1 को आराम से भर सकते हैं, और आराम से भर सकते हैं। ऑफलाइन टूल में यही बहुत अच्छा दिया गया है कि आप आराम से GSTR1 भरिए ऑफलाइन टूल की मदद से। ऑनलाइन में ये होता है कि ऑनलाइन जब आप भरोगे तो वो साथ में साथ सबमिट होता रहता है, अगर आपने एक बार गलत कर दिया तो आपको पता नहीं मॉडिफाई कर भी पाओगे या नहीं कर पाओगे, तो उसमें बहुत टाइम लगता है, तो आप ऐसा रिस्क क्यों ही लें। तो इसलिए, और यहाँ पर हेल्प इंस्ट्रक्शन है कि कॉमन मिस्टेक इन फाइलिंग एक्सेल सीट टेम्पलेट। तो जितने भी ये मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, जितने भी एक्सेल में मिस्टेक हो सकती है तो इनको पढ़िए और इनको समझिए कि अगर ये मिस्टेक होती है एक्सेल सीट में जब आप काम करोगे तो ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। देखिए क्या है, GSTIN ऑफ सर्विस सप्लाइज ई कॉमर्स शुड बी ए वैलिड वन, ई कॉमर्स और सप्लाई वैलिड होना चाहिए। स्टेट कोड ऑफ सप्लाई GSTIN कॉमर्स GSTIN शुड बी द सेम, जो आपने फिलअप किया है उसका ई कॉमर्स हो चाहे GST नंबर का सप्लायर का हो, वो दोनों के दोनों सेम होने चाहिए, अलग नहीं होने चाहिए। और दूसरी बात है डुप्लीकेट ऑफ इनवॉइस विद द सेम टैक्स रेट शुड नॉट बी देयर अदरवाइज सिस्टम थ्रो एरर, ठीक है। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, क्यों, क्योंकि देखिए अब जब आप बिल इनवॉइस करोगे अगर वहां पे जीएसटी रिपोर्ट में पोर्टल में आपके जो सीरियल नंबर इनवॉइस वैल्यू है इनवॉइस नंबर है अगर सेम पाए गए तो वहां पर एरर शो करेगा, तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। और मैं हर अपने लेक्चर बताता हूँ कि आप जो इनवॉइस शो कर रहे हो वहां पर अपना इनवॉइस नंबर देख के चलिएगा, इनवॉइस नंबर ना देके चलोगे तो पछताओगे आप ही।
तो अमाउंट शुड बी ओनली अप टू टू डेसिमल, टू डेसिमल डिजिट तो लगाने ही पड़ेंगे क्योंकि इंडियन फॉर्मेट है कि आपको टू डेसिमल लगाने पड़ेंगे सॉफ्टवेयर के। इन शॉर्ट द फाइलिंग एक्सेल शुड बी स्ट्रिक्टली एज पर सैंपल डाटा ऑफ अवॉइड एरर। इंसर्ट द फाइलिंग ऑफ एक्सेल शुड बी स्ट्रिक्टली एज पर सैंपल डाटा टू अवॉइड एरर। तो जितना भी हो आप एक्सेल शीट में जितना भी डाटा डाल रहे हो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हो डाटा को अवॉइड करें कि आप एरर ना आने दें। और कॉपी पेस्ट ये तो मैंने बताया है कि जहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट के फैसिलिटीज दी हूँ वहाँ पर आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, और जहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट की फैसिलिटी दी नहीं है तो आप ड्रॉप डाउन कॉपी पेस्ट कर सकते हो सिंपली। नेक्स्ट है द वर्कशीट नेम इन द एक्सेल फाइल ऑफ द रिटर्न डाटा पेपर, रिटर्न पेपर शुड बी द सेम एज मेंशन इन द एक्सेल टेम्पलेट। कहने का मतलब है कि जो एक्सेल टेम्पलेट है ये इनकी नेम कभी भी चेंज नहीं करिएगा, नहीं तो आपको एक्सेल और जो एक्जिस्टिंग का कॉमन पोर्टल है वहाँ पर एरर मिलेगा, फिर आप बाद में मत कीजिएगा। तो यहाँ पर जो चीज़ दी गई है उसको चेंज बिल्कुल नहीं करिएगा। आप सिंपली चेंज क्या कर सकते हैं, आप सिंपली ये डिलीट कर सकते हैं, इतना ये डिलीट कर सकते हैं, और ड्रॉप डाउन लिस्ट को भी नहीं डिलीट कर सकते। सिंपल जो आपको डाटा फील्ड करना है लिखना है तो वो आप चेंज कर सकते हो, और कुछ नहीं करना आपको चेंज। मास्टर डाटा शीट्स प्रोवाइडेड द इनपुट अलाउ इन द मेंशन डाटा फील्ड, इनपुट इन द मास्टर डाटा शीट हैज बीन यूज फॉर द ड्रॉप डाउन लिस्ट इन द वर्कशीट। तो आपको सिर्फ ड्रॉप डाउन लिस्ट का ही सारा लेना है जहां पर आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट की मदद से देना है, और स्पेशल इंस्ट्रक्शन है इसको भी जरूर फॉलो करिएगा। ये मैं सारी बातें आपको पहले बता चुका हूं कि जो आप डेट देखिए उसके आइटम रेट और जो भी जीएसटी नंबर देना है वो सब ठीक होना चाहिए, प्लेस ऑफ सप्लाई ठीक होना चाहिए, और इनवॉइस नंबर भी ठीक होना चाहिए, डेट फॉर्मेट जरूर याद रखिएगा, और जो भी एक्सेल टेम्पलेट दिए गए हैं उनको प्रॉपर बनाइएगा और उस पर कोई एरर ना डालिएगा, और नाइन वॉइस ना डिफरेंट होने चाहिए इनवॉइस नंबर, और एक्सेल शीटों को जो हमारे पास नीचे ये दी गई है वर्कशीट इनको कभी भी चेंज नहीं करिएगा, नहीं तो आपको बहुत परेशानी झेलनी पड़ सकती है। सो, आज के लेक्चर को हम यही ख़त्म करते हैं। अगर हमारे आई होप हमारा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। सो, हमारे इस वीडियो को या हमारे जितने भी वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है टैली मेथोडिस। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम सीखेंगे कि आप जीएसटी ऑफलाइन टूल को टैली से डाटा कैसे एक्सपोर्ट करोगे, कैसे डाटा फील्ड करोगे, और फिर उसके बाद सीखेंगे कि आप ऑनलाइन और ऑफलाइन कैसे अपलोड करोगे जीएसटी कॉमन फोल्ड में। सो, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। सो, टाटा एंड बाय बाय, गुड बाय।